डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे भारत के जलवायु प्रदेश। भारत एक बहुत ही विशाल देश है, इसीलिए इसे महाद्वीप उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इतने बड़े देश में जलवायु संबंधी विभिन्नताओं का पाया जाना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए यद्यपि पूरे भारत में हम मोटे तौर पर देखें तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है, किंतु यहाँ की जलवायु में प्रादेशिक विभिन्नताएँ विद्यमान हैं। हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल की जलवायु मानसूनी है दोनों की, किंतु दोनों की जलवायु एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। ये भिन्नताएं किस किस के कारण होती हैं? इसमें होता है बेटा तापमान, वर्षा और जलवायु, ये तीन प्रमुख कारण हैं जिससे यहाँ की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न की गई जलवायु की दशाओं की में एकरूपता पाई जाती है। जलवायु के वर्गीकरण के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं बेटा, तापमान और वर्षा। तापमान की अपेक्षा वर्षा से भिन्नता अधिक पैदा होती हैं, इसलिए वर्षा और भी अधिक इम्पोर्टेंट है। इसलिए अधिकांश भूगोलवेताओं ने भारत को जो जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है उनका मुख्य आधार तापमान की अपेक्षा वर्षा को अधिक माना है, अर्थात वर्षा को अधिक प्राथमिकता मिली है। भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटने वाले विभिन्न जलवायुविद हुए हैं। ये जलवायुविद हम कहेंगे कि विश्व स्तर पर जो जलवायुविद हैं, भूगोलवेत्ता हैं, वो कुछ विदेशी हैं, जिनमें एलडी स्टाम, केंड्रू कोपेन महोदय और थार्नवेट महोदय, ब्रिवार्था और जॉनसन प्रमुख हैं। इन प्रमुख भूगोलवेत्ताओं में से आज हम जो करने जा रहे हैं जलवायु का वर्गीकरण, वो है थार्नवेट महोदय। भारतीय जो भूगोलवेत्ता हैं उनमें आरएल सिंह और सुब्रमण्यम जो हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और जो नीम के पत्थर कहे जाते हैं पूरे विश्व में जलवायु को विभाजित करने के लिए, उसमें थार्नवेट महोदय का नाम भी बहुत ही प्रमुख है। ये एक अमेरिकी जलवायुविद थे और उन्होंने सन 1933 में जलवायु प्रदेशों को बांटने की योजना प्रस्तुत की। थार्नवेट का ये मानना था कि जलवायु के जो तत्व हैं उनमें वनस्पति का प्रभाव सबसे अधिक माना, अर्थात प्राकृतिक वनस्पति को उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया अपने जलवायु वर्गीकरण का बेस तैयार करने में। उन्होंने माना कि प्राकृतिक रूप से जो एक पौधा उगता है वो एक तरह से मौसम विज्ञान के किसी इंस्ट्रूमेंट की भांति काम करता है, और वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ का मौसम कैसा है। इसीलिए उन्होंने अपनी जो विधि डिवीज़न की मानी, क्लासिफिकेशन किया, जिन्होंने जलवायु वर्गीकरण किया, उसमें उन्होंने तीन प्रमुख कारक माने, वनस्पति, मिट्टी और जल प्रवाह का निरीक्षण करके जलवायु के प्रकारों का वर्गीकरण किया। उनकी जो सीमाएँ थी उनको डिसाइड किया। पौधों की ग्रोथ के लिए ये माना जाता है कि वर्षण प्रभाविता सबसे ज़्यादा, वर्षा की बजाय वर्षण प्रभाविता सर्वाधिक निर्भर करती है। उन्होंने वर्षण प्रभाविता ये क्या है, वर्षण प्रभाविता है वर्षा कितनी हुई और उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तत्व कौन सा है, अर्थात ज़्यादा वर्षा होना मायने नहीं रखता, वर्षा किस मौसम में हुई, वाष्पीकरण कितना हुआ और वो प्रभावी कितनी रही, ये सब निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, कुल महीनों की वृष्टि को मापा, और इस कुल 12 महीने की जैसे वर्षा की मात्रा है उसको मापा और उनको डिवाइडेड बाय 12 मंथ कर दिया, और इसे कुल मास के वर्गीकरण द्वारा विभाजित कर दिया। इस प्रकार कुल 12 महीने की वर्षण प्रभाविता के अनुपात का योग आया, वो योग वर्षण प्रभाविता सूचकांक या पीई इंडेक्स जिसे हम कहते हैं वो हो गया। इस सूचकांक की सहायता से हम वर्षा के प्रभाव को माप सकते हैं। ये वर्षा की मात्रा की अपेक्षा ये प्रभाव ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। थार्नवेट के सूत्र के आधार पर ही संसार को 5 मुख्य आर्द्रता संबंधी प्रदेशों में बांटा जाता है। अब ये 5 प्रमुख आर्द्रता संबंधी प्रदेश कौन कौन से हैं, इसमें देखिए आर्द्रता संबंधी प्रदेश और फिर वर्षा के वन हैं, वनस्पति के प्रकार हैं, और इसमें वर्षण प्रभाविता सूचकांक कौन सा होता है, ये तीन कॉलम मैंने बनाए हैं। अभी तीन कॉलम देखिए, अंग्रेजी के अक्षर बड़े अक्षर ए
जिसका मतलब होता है अधिक आर्द्र प्रदेश है ये। ए और वनस्पति के प्रकार होते हैं इसमें वर्षा वाले वन है अर्थात सदाबहार वन इसमें मिलते हैं। इसमें वर्षण प्रभाविता सूचकांक क्या होता है 128 या इससे अधिक होता है। बी पार्ट नंबर बी इसका मतलब होता है ये यहाँ वन पाए जाते हैं और वर्षण प्रभाविता है वो थोड़ा सा कम होती है 64 से 127 तक होती है। सी पार्ट सी का मतलब होता है उप आद्र मतलब आद्र तो है पर कम आद्र है और इसमें घास के मैदान की प्रमुखता दी जाती है और इसमें वर्षण प्रभाविता 32 से 63 तक होती है। नंबर डी अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति होती है और 16 से 31 तक इसमें आर्द्रता होती है। नंबर ई मरुस्थलीय प्रदेश होता है ये और इसमें आर्द्रता बहुत ही कम होती है अर्थात 16 से भी कम इसमें आर्द्रता पाई जाती है। तो इस आधार पर उन्होंने आर्द्रता संबंधी 5 प्रदेश बांटे ए बी सी डी और ई। इसी प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया और उनको सिंबॉलिक माना। उन्होंने 4 उप विभागों में इसे बांटा आर आर डैश होता है आर डैश का मतलब होता है प्रत्येक मौसम में वर्षा की पर्याप्त मात्रा अर्थात रेनी सीजन इसे कहेंगे। फिर है स्मॉल एस इसका मतलब है ड्राई इन समर स्मॉल डब्लू ड्राई इन विंटर। डी इसमें है डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। ये इन्होंने 4 अलग प्रदेश बांटे उप प्रदेश बांटे। अब इसके अलावा उन्होंने तापमान के द्वारा भी जलवायु प्रदेशों को डिवीजन किया और उन्होंने इसके लिए तापीय दक्षता का प्रयोग किया। ये तापीय दक्षता क्या है इसमें उन्होंने कुल 12 महीना के तापमान लिया और उसे डिवाइडेड बाई 12 करके और उन्होंने कुल 12 महीने की तापीय दक्षता के अनुपात के योग को तापीय दक्षता सूचकांक की संज्ञा दी। इस प्रकार से उन्होंने तापीय दक्षता का अध्ययन करके ताप संबंधी 6 प्रमुख प्रदेश बनाए। अब ये 6 प्रमुख प्रदेश हैं कैपिटल लेटर हैं ये इंग्लिश के और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और एफ डैश उन्होंने माना है। अब देखिए तापीय दक्षता सूचकांक इसमें ए डैश में तापीय दक्षता सूचकांक होता है 128 से अधिक। बी डैश इसमें समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है और तापीय दक्षता सूचकांक होता है 64 से 127 अर्थात तापमान कंपैरेटिवली कम होता है। सी डैश शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है और इसमें तापमान का इंडेक्स है वो 32 से 63 होता है। डी डैश टैगा प्रकार की जलवायु होती है और इसमें तापीय दक्षता सूचकांक 16 से 31 तक होता है। ई डैश टुंड्रा इसमें 1 से 15 तक तापीय दक्षता होती है और एफ डैश हिमाच्छादित होती है और इसमें तापमान होता ही नहीं है। इस प्रकार से वृष्टि क्षमता वृष्टि की मौसम सांद्रता व इन सब के सम्मिलित प्रभाव को देखने के बाद उन्होंने विश्व को 120 जलवायु प्रकारों में विभाजित किया। अब ये तो पूरे विश्व के 120 जलवायु प्रकार हैं और उन्होंने हार्मेट के ने जलवायु के फिर 32 विभाग किए। अब वैसे तो 120 डिवीज़न किए जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड के किंतु मोटे तौर पर 32 भागों में उन्होंने विश्व की जलवायु को बांटा और विश्व का मानचित्र तैयार किया। अब भारत में पाए जाने वाले जो प्रदेश हैं जलवायु प्रदेश वो मुख्यतः 12 हैं। इन 12 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया है। अब ये 12 जलवायु प्रदेश उन्होंने उत्तरी जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसे ई और डी प्रदेशों में बांटा है। डी प्रदेश कौन सा है हिमाचल प्रदेश वाला है डी डैश क्योंकि वहाँ पर तापमान कम होता है किंतु ई प्रदेश लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है जहाँ पर हिमाच्छादित जलवायु मिलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने नॉर्थ में ई और डी प्रदेश माने हैं जबकि ए डैश आर से शुरू होता है उनका पश्चिमी तट का पश्चिमी तटीय मैदान जहाँ पर आर्द्रता भी अच्छी होती है और तापीय दक्षता सूचकांक भी अधिक होता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ अधिक होती हैं इसलिए इन्होंने इस प्रदेश को तापीय दक्षता और वर्षा के हिसाब से यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में फैला हुआ मैदानी प्रदेश है समुद्र के साथ साथ एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट का
पश्चिमी घाट है।